As discussed later, ये क्लासिकल पिक्चर सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी की ग्रेटली मॉडिफाई हुई है बाय सर्फेक्टेंट के ट्रीटमेंट के साथ। अब देखते हैं हार्मोन रेगुलेट सर्फेक्टेंट सिंथेसिस। देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टिमुलेट करते हैं फॉर्मेशन सर्फेक्टेंट लिपिड्स की और एसोसिएटेड प्रोटीन्स की, इसीलिए कंडीशन जो एसोसिएटेड होती हैं विद द इंट्रा यूट्राइन स्ट्रेस एंड फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन से वो इंक्रीज़ करती हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का रिलीज, लोअर करती हैं रिस्क ऑफ डेवलपिंग RDS। कन्वर्सली कंपनसेंट्री हाई ब्लड लेवल इंसुलिन का इन इन्फेंट्स में जिनकी मदर्स डायबिटिक होती हैं तो वो सप्रेस कर देते हैं सर्फेक्टेंट की सिंथेसिस, काउंटर एक्टिंग द इफेक्ट ऑफ स्टीरॉयड। ये एक्सप्लेन करता है इन पार्ट क्यों इन्फेंट्स डायबिटिक मदर्स के हायर रिस्क पे होते हैं फॉर डेवलपिंग द RDS। लेबर इज नोन टू इंक्रीज द सर्फेक्टेंट सिंथेसिस। आलो सी सेक्शन जो है परफॉर्म किया जाता है बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर आल्सो एसोसिएटेड होता है विद इंक्रीज रिस्क RDS का। मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं। देखिए लंग्स इन्फेंट्स के जो RDS के होते हैं वो नॉर्मल साइज़ के होते हैं लेकिन हैवी और रिलेटिवली एयरलेस होते हैं। इनको मॉटल्ड पर्पल कलर होता है, मॉटल्ड पर्पल कलर, एंड ऑन माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन टिश्यू सॉलिड अपीयर होता है, पुअरली डेवलप्ड जनरली कोलैप्स होता है यानी एटेलेक्टिक एल्वियोलाई होते हैं। अगर इन्फेंट डाई कर जाता है विद इन द फर्स्ट सेवरल आवर्स ऑफ द लाइफ में सिर्फ नेक्रोटिक सेलुलर डेब्रिस प्रेजेंट हो गए टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में एंड एल्वियोलर डक्ट्स में डेब्रिस। लेटर इन द कोर्स कैरेक्टरिस्टिक यूजिनोफिलिक हाइलाइन मेम्ब्रेन्स जो है ना वो लाया करती हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स को, एल्वियोलर डक्ट्स एंड रैंडम एल्वियोलाई को। 7.25 में देखें हाइलाइन मेम्ब्रेन जिसे हमने देखी इस तरह की, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि ये मेम्ब्रेन जो है ना ये कंटेन करती है नेक्रोटिक एपिथेलियल सेल एडमिक्स्ड विद द एक्स्ट्राविजेटेड प्लाज्मा प्रोटीन। देर इज़ रिमार्केबल पॉजिटिव न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की जो एसोसिएटेड होता है इन मेम्ब्रेन के साथ। लेजन हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ की कभी भी नहीं देखी गई स्टिल बॉर्न इन्फेंट्स में या फिर इन लाइव बॉर्न इन्फेंट जो डाई कर जाते हैं विद इन फ्यू आवर्स ऑफ बर्थ। अगर इन्फेंट जो कि RDS के साथ होता है मर जाता है सेवरल डेज के बाद, एविडेंस रिपेरेटिव चेंजेस का जो इंक्लूड करता है प्रोलिफरेशन ऑफ द टाइप 2 न्यूमोसाइट्स एंड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस देखा गया है। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर। देखिए क्लासिकल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बिफोर द एरा ऑफ द ट्रीटमेंट विद द एक्सोजेनस सर्फेक्टेंट डिस्क्राइब किया है अर्लियर। करंटली एक्चुअल क्लिनिकल कोर्स और प्रोग्नोसिस नियोनेटल RDS की वेरी करती है, डिपेंड करता है मेचोरिटी पे और बर्थ वेट इन्फेंट पे, प्रॉम्प्टनेस ऑफ द थेरेपी पे भी। कंट्रोल RDS का फोकस करता है प्रिवेंशन पे, आइदर बाय डिलेइंग द लेबर अंटिल द फीटल का लंग रीच करे मेचोरिटी पे या फिर इंड्यूस करवाते हैं हम मेचोरेशन लंग की इन द एट रिस्क फीटसिस में। क्रिटिकल टू दीज ऑब्जेक्टिव इज द एबिलिटी टू असेस द फीटल लंग मेचोरिटी एक्यूरेटली, उसको एक्यूरेटली मेजर किया जाए क्योंकि पल्मोनरी सेक्रेशन डिस्चार्ज होती है इनटू द एमनियोटिक फ्लूड। एनालिसिस एमनियोटिक फ्लूड के फॉस्फोलिपिड्स की प्रोवाइड करती है गुड एस्टिमेट लेवल ऑफ सर्फेक्टेंट का इन द एल्वियोलर लाइनिंग। प्रोफाइलेटिक एडमिनिस्ट्रेशन बर्थ के टाइम पे एक्सोजेनस सर्फेक्टेंट का टू द एक्सट्रीमली प्री मेच्योर इन्फेंट्स में बोर्न बिफोर द 28th week ऑफ जेस्टेशनल एज प्रूव करता है वेरी बेनिफिशियल such that it is now uncommon for the infant to die of the acute RDS. Uncomplicated cases में recovery begin करती है to occur within 3 to 4 days. In affected infant oxygen चाहिए होती है, use high concentration ventilator administered oxygen का for the prolonged period however associated होता है 2 well-known complications, retro लेंटल फाइब्रोप्लेजिया also called retinopathy या prematurity, आँखों की bronchopulmonary dysplasia. फॉर्चुनेटली दोनों कॉम्प्लिकेशन अब सिग्निफिकेंटली कम कॉमन है एज ए रिजल्ट ऑफ जेंटलर वेंटिलेशन टेक्निक की वजह से, एंटीनेटल ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी से और एंड प्रोफाइलेटिक सर्फेक्टेंट ट्रीटमेंट से। हैंस ये डिस्क्राइब ब्रीफली हुई हैं। एक तो रिटाइनोपैथी प्रीमेच्योरिटी को 2 phase पैथोजेनेसिस है, ड्यूरिंग द हाइपरऑक्सिक फेज ऑफ द RDS थेरेपी phase 1 एक्सप्रेशन प्रो एंजियोजेनिक वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का मार्कली कम हो जाता है, कॉज कराता है एंडोथेलियल सेल एपोप्टोसिस। वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर लेवल रीबाउंड करता है आफ्टर रिटर्न टू द रिलेटिवली हाइपोक्सिक रूम एयर वेंटिलेशन phase 2 इंड्यूसिंग द रिटाइनल वेसल प्रोलीफरेशन नियोवास्कुलराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेजन इन द रिटाइना। फिर मेजर एब्नॉर्मलिटी ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया में स्ट्राइकिंग डिक्रीज आ जाता है इन द एल्वियोलर सेप्टेशन, मैनिफेस्ट होता है एज ए लार्ज सिंप्लीफाइड एल्वियोलर स्ट्रक्चर और डिसमॉर्फिक कैपिलरी कन्फिग्रेशन। मल्टीपल फैक्टर जैसे हाइपरऑक्सीमिया,
हाइपरवेंटिलेशन, प्रीमैच्योरिटी, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस और वास्कुलर मेल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया में एंड प्रोबेबली एक्ट करते हैं एक्टिवली या फिर साइनर्जिस्टिकली टू प्रोमोट द इंजरी। इन्फेंट जो रिकवर करते हैं आरडीएस से वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर डेवलपिंग अ वैरायटी ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशन जो एसोसिएटेड होती है प्रीटर्म बर्थ के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज और नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। थस ऑल्दो टेक्नोलॉजिक एडवांसेस हेल्प करती हैं सेव द लाइफ ऑफ मेनी इन्फेंट विद आरडीएस, इन्होंने ब्रिंग किया है सरफेस पे द एक्सक्विसाइट फ्रेजाइलिटी ऑफ द इमेच्योर नियोनेट। समरी देखिए, हमने देखा नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, नियोनेटल आरडीएस जिसको हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज कहा गया है, ये प्री मेच्योरिटी की डिजीज है, ये होती है जो बच्चे 28 वीक ऑफ जेस्टेशन एज से पहले पैदा होते हैं। फंडामेंटल एबनॉर्मलिटी आरडीएस में है इनसफिशिएंट पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जिसकी वजह से जो लंग्स हैं वो फेल कर जाते हैं टू इन्फ्लेट आफ्टर द बर्थ। कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिक पैटर्न आरडीएस में है कि प्रेजेंस होती है हाइलाइन मेम्ब्रेन की जिनमें नेक्रोटिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो लाइन करते हैं एयरवेज को। आरडीएस एमोल्यूरेट होता है पर प्रोफाइलेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जब स्टीरॉयड की जाती है सर्फेक्टेंट थेरेपी एंड बाय इंप्रूव्ड वेंटिलेशन टेक्निक। फिर हमने देखा लॉन्ग टर्म सीक्वेली जो एसोसिएट होता है आरडीएस थेरेपी वो इंक्लूड करता है रिटाइनोपैथी, प्रीमेच्योरिटी की एंड ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया। द इंसिडेंस ऑफ बोथ कॉम्प्लिकेशन हैज डिक्रीज्ड विद द इंप्रूवमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ द आरडीएस। अब हम पढ़ेंगे नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। देखिए नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस NEC मोस्ट कॉमन होता है प्रीमेच्योर इन्फेंट में विद द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जेस्टेशनल एज। यानी ये जेस्टेशनल एज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो है ना अप्रोक्सीमेट 1 in 10 लो बर्थ वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट्स में होता है जो लेस देन 1500 ग्राम होते हैं। इन एडिशन टू द प्री मेच्योरिटी मोस्ट केसेस एसोसिएटेड होते हैं विद एंट्रल फीडिंग। सजेस्ट करते हैं कि कुछ पोस्ट नेटल इंसल्ट हुई है जैसे कि इंट्रोडक्शन बैक्टीरिया का, सेट्स इन द मोशन, द कैस्केड ऑफ कल्मिनेटिंग इन टिश्यू डिस्ट्रक्शन। ऑल्दो इन्फेक्शियस एजेंट लाइकली है टू प्ले अ रोल इन द NEC pathogenesis, no single bacterial pathogen has been linked to the disease. Large number of inflammatory mediator associated hai with the pathogenesis of NEC. Ek particular mediator platelet activating factor bhi implicated hua in increasing the mucosal permeability by promote karta hai enterocyte ki apoptosis aur compromise kar deta hai intercellular tight junctions ko, thereby adding the fuel to the fire. NEC typically na involve karta hai terminal ileum ko, cecum ko aur right colon ko. ऑल्दो एनी पार्ट ऑफ द स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो सकता है। इन्वॉल्व सेगमेंट ना टिपिकली डिस्टेंट हो जाता है, फ्राइबल होता है और कंजेस्ट हो जाता है। जैसे कि फिगर में देखिए नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस है। ए फिगर में ना पोस्ट मार्टम एग्जामिनेशन है, इन सीवियर केसेस इंटायर बावल जो है वो मार्कली डिस्टेंट हो चुका है और पेरिलोसली थिन है। यूजली ये अपीयरेंस ना इम्प्लाई करती है इम्पेंडिंग परफोरेशन। बी में ना कंजेस्टेड पोर्शन है इलियम के जो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं टू द एरिया ऑफ हेमरेजिक इन्फार्क्ट एंड ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस। सब म्यूकोसल गैस बबल यानी न्यूमाटोसिस इंटेस्टाइनलिस भी देखा गया सेवरल एरियाज में। देखिए ये बबल्स, ठीक है। फिर है कि तो हमने कहा कि सेगमेंट जो है टिपिकली डिस्टेंट फ्राइबल कंजेस्ट होता है या फिर ये फ्रैंकली गैंग्रीनस भी हो सकता है। इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन भी अकंपनी कर सकती है, पेरिटोनाइटिस भी देखी जा सकती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में म्यूकोसल या ट्रांसम्यूरल कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, अल्सरेशन, बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन और सब म्यूकोसल गैस ऑफ रिपेरेटिव चेंजेस जैसे कि ग्रेनुलेशन टिश्यू, सब म्यूकोसल गैस बबल्स भी फीचर्स एसोसिएटेड हैं NEC के। एविडेंस रिपेरेटिव चेंजेस का जैसे ग्रेनुलेशन टिश्यू और फाइब्रोसिस भी देखा गया शॉर्टली आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ द एक्यूट एपिसोड। क्लिनिकल कोर्स ना फेयरली टिपिकल है विद द ऑनसेट ऑफ द ब्लडी स्टूल, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्कुलेटरी कोलैप्स। एब्डोमिनल रेडियोग्राफ ऑफन डेमोस्ट्रेट करते हैं गैस विद इन द इंटेस्टाइनल वॉल, न्यूमाटोसिस इंटेस्टाइनलिस जो डिटेक्ट किया है। जब डिटेक्ट अर्ली होता है तो NEC ऑफन मैनेज किया जा सकता है कंजर्वेटिवली, लेकिन मैनी केसेस 20-60% ना रिक्वायर करते हैं ऑपरेशन इंटरवेंशन जो इंक्लूड करता है रीसेक्शन नेक्रोटिक सेगमेंट ऑफ द बावल की। NEC ना एसोसिएट होता है हाई पेरीनेटल मोर्टेलिटी के साथ। इन्फेंट जो सर्वाइव करते हैं वो ऑफन डेवलप करते हैं पोस्ट NEC स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द फाइब्रोसिस जो कॉज होता है बाय हीलिंग प्रोसेस। फिर है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सिड्स।
अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, सिल्स डिफाइन हुआ है सडन डेथ इन्फेंट्री अंडर द वन ईयर ऑफ द एज, जो रह रही है अनएक्सप्लेन आफ्टर द थोरो केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग द परफॉर्मेंस कंप्लीट अटोप्सी की एग्जामिनेशन ऑफ द डेथ सीन एंड रिव्यू क्लिनिकल हिस्ट्री का। ये इंपॉर्टेंट है टू इम्फोसाइज कि मैनी केसेज सडन डेथ ऑफ इन्फेंसी की फाउंड टू बी एनाटॉमिक या बायोकेमिकल बेसिस के एट द अटोप्सी। टेबल 7.7 देखें, इसमें फैक्टर है एसोसिएटेड विद द सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम सिड्स के साथ। पेरेंटल में हमें यंग मैटरनल एज यानी 20 ईयर्स से यंग एज, मैटरनल स्मोकिंग प्रेगनेंसी के दौरान, या ड्रग अब्यूज आइदर पेरेंट का या स्पेसिफिकली पेटरनल मेरीवाना एंड मैटरनल ओपिएट कोकेन का यूज़, शॉर्ट इंटरजेस्टेशनल इंटरवल, लेट या नो पेरेंटल केयर, लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप, अफ्रीकन अमेरिकन एंड अमेरिकन इंडियन एथनिसिटी सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। इन्फेंट के क्या वजह हो सकती है, ब्रेन स्टेम की कोई एबनॉर्मलिटी हो गई एसोसिएटेड विद डिलेड डेवलपमेंट ऑफ द अरोजल एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी कंट्रोल, प्री मेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट हो सकता है मेल सेक्स की वजह से भी, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल बर्थ, सिड्स इन अ प्रीवियस सिबलिंग, एंटीसीडेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर कोई जर्म लाइन पॉलीमॉर्फिज्म इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जीन। इन्वायरमेंट के में क्या वजह हो सकती है, प्रोन या फिर साइड स्लीप पोजिशन, स्लीपिंग ऑन द सॉफ्ट सरफेस, हाइपरथर्मिया की वजह से या को स्लीपिंग इन द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ लाइफ इसकी वजह से। इसके अलावा पोस्टमार्टम एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट की गई है इन द केसेस ऑफ SUID सडन अनएक्सपेक्टेड इन्फेंट डेथ। इसमें इन्फेक्शन, वायरल मायोकार्डाइटिस, ब्रोंकोनमोनिया, अनसस्पेक्टेड कंजेनाइटल एनोमली, कंजेनाइटल एओर्टिक स्टीनोसिस, एनामलस ओरिजिन ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी, ट्रोमाटिक चाइल्ड अब्यूज, इंटेंशनल सफोकेशन यानी फिलिसाइड, जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर, हिस्टियोसाइटोइड कार्डियोमायोपैथी, एबनॉर्मल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सिवनेस, ये आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो है हम देख रहे थे कि ये जो है ना इन्फेंसी में होते हैं एनाटॉमी या बायोकेमिकल बेसिस होती है ऑटोप्सी पे, ये लेबल नहीं किए जाते सिड्स, लेकिन ये रादर सडन अनएक्सपेक्टेड इन्फेंट डेथ्स किए जाते हैं। देखिए, सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एस्टिमेट करती है कि सिड्स अकाउंट करता है अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द केसेस सडन अनएक्सपेक्टेड इन्फेंट डेथ्स का US में। एक्सपर्ट सिड्स का एस्पेक्ट ऑफ द सिड्स दैट इज़ नॉट स्ट्रेस्ड इन द डेफिनेशन इज दैट इन्फेंट यूजली डाई कर जाता है जब वो सो रहा होता है, हैज़ द लेट टर्म क्रिब डेथ एंड कॉट डेथ। सिड्स ना लीडिंग कॉज डेथ है बिटवीन द एज ऑफ 1 मंथ से लेकर 1 साल तक US इन्फेंट में, और थर्ड लीडिंग कॉज डेथ है ओवरऑल दिस ग्रुप ऑफ एज में आफ्टर द कंजेनाइटल एनोमली एंड द डिजीज ऑफ द प्री मेजोरिटी एंड द लो बर्थ वेट। 90% केसेस इन्फेंट के जो कि 6 महीने से छोटे होते हैं वो होते हैं बिटवीन द एज ऑफ 2 या 4 मंथ। सिड्स जो है अर्लियर सिबलिंग्स में इज एन अर्लियर सिबलिंग इज एसोसिएटेड विद अ 5-fold रिलेटिव रिस्क फॉर द रिकरेंस। ट्रोमाटिक चाइल्ड अब्यूज़ केयरफुली एक्सक्लूड करना चाहिए अंडर दीज सर्कमस्टांसिस। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखें क्या है। देखिए, सिड्स एक मल्टी फैक्टोरियल कंडीशन है जो कि विथ मिक्सचर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग कॉजेज इन अ गिवन केस। 3 इंटरेक्टिंग वेरिएबल हैं जो प्रपोज हुए हैं। 1 है वल्नरेबल इन्फेंट होता है, 2 कोई क्रिटिकल डेवलपमेंटल पीरियड होता है इन द होम्योस्टेटिक कंट्रोल, एंड 3 वन या मोर एक्सोजीनियस स्ट्रेसर होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेवरल फैक्टर बनाते हैं इन्फेंट को वल्नरेबल टू सडन डेथ ड्यूरिंग द क्रिटिकल डेवलपमेंट पीरियड के दौरान, यानी कि 1 महीने से 1 साल के दौरान। ये वल्नरेबिलिटी जो फैक्टर है ये स्पेसिफिक हो सकते हैं टू द पेरेंट या फिर इन्फेंट, जबकि एक्सोजेनस स्ट्रेसर या स्ट्रेसर जो एट्रीब्यूट हुए टू द एनवायरनमेंट वो टेबल में है। ऑल्दो न्यूमरस फैक्टर भी प्रपोज करते हैं टू द अकाउंट फॉर द वल्नरेबल इन्फेंट, मोस्ट कंपेलिंग हाइपोथेसिस है कि सिड्स रिफ्लेक्ट करता है डिलेड डेवलपमेंट अरोजल का और कार्डियो रेस्पिरेटरी कंट्रोल का। देखिए, ब्रेन स्टेम और पार्टिकुलरली जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो प्ले करता है क्रिटिकल रोल बॉडी के अरोजल में, जो रिस्पॉन्स होता है टू मोशन स्टिमुलस जैसे कि एपिसोडिक हाइपरकार्बिया, हाइपोक्सिया एंड थर्मल स्ट्रेस जो इनकाउंटर करता है ड्यूरिंग द स्लीप। सेरोटोनर्जिक यानी 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन सिस्टम मेडुला का इम्प्लीकेट करता है इन दीज अरोजल रिस्पॉन्सेज एज वेल एज रेगुलेशन अदर क्रिटिकल होम्योस्टेटिक फंक्शंस की, जैसे कि रेस्पिरेटरी ड्राइव, ब्लड प्रेशर, अपर एयरवे के रिफ्लेक्स। एबनॉर्मलिटी सेरोटोनिन डिपेंडेंट सिग्नलिंग में इन द ब्रेन स्टेम अंडरलाई कर सकती है बेसिस फॉर द सिड इन सम इन्फेंट। अमंग द पोटेंशियल एनवायरमेंटल कॉजेज, प्रोन स्लीप पोजिशन जो है ना, स्लीपिंग ऑन द सॉफ्ट सर्फेसिस, थर्मल स्ट्रेस, ये भी पॉसिबली मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं सिड्स के लिए। मैनी स्टडीज़ ने क्लियरली शो किया इंक्रीज रिस्क फॉर द सिड्स इन इन्फेंट्स जो स्लीप करते हैं प्रोन पोजिशन में, प्रॉम्प्टिंग द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक टू रिकमेंड प्लेसिंग हेल्दी इन्फेंट ऑन देयर बैक जब वो लाइंग देम डाउन टू स्लीप।
ये बैक टू स्लीप कैंपेन जो है ना रिजल्ट करी है सब्सटेंशली डिक्रीज सिड्स में जो रिलेटेड है डेथ इन सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1994। प्रोन पोजिशन ना बढ़ा देती है इन्फेंट की वल्नरेबिलिटी टू वन या मोर रिकोगनाइज नॉशियस स्टिमुलाई, जैसे कोई हाइपोक्सिया उसको हो जाती है, हाइपर कार्बिया हो जाता है या थर्मल स्ट्रेस उसको हो जाता है ड्यूरिंग द स्लीप। इन एडिशन प्रोन पोजिशन जो है ना वो एसोसिएटेड होती है डिक्रीज अरोजल रिस्पॉन्सिवनेस के साथ कंपेयर्ड विद सुपाइन पोजिशन। ऑफ नोट्स, सिड्स जो है ना वो ना कि सिर्फ कॉज ए सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ का इन इन्फेंसी, इसीलिए सिड्स जो है वो डायग्नोसिस है एक्सक्लूजन का, रिक्वायर करता है केयरफुल एग्जामिनेशन डेथ सीन की एंड कंप्लीट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। कंप्लीट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन शो करती है अनसस्पेक्टेड कॉज डेथ का, सडन डेथ का इन एज मेनी 20% या मोर ऑफ द बेबीज प्रज्यूम टू हैव डाइड ऑफ द सिड्स। इन्फेक्शन जैसे कि कोई वायरल मायोकार्डियाइटिस हो गई, ब्रोंको नमूनिया हो गया, ये मोस्ट कॉमन कॉज है सडन अनएक्सपेक्टेड इन्फेंट डेथ का। इन्फेक्शन जैसे वायरल मायोकार्डियाइटिस, ब्रोंको नमूनिया, ये मोस्ट कॉमन कॉज है SYD का जो फॉलो होते हैं विद कंजेनिटल एनोमली। एज अ रिजल्ट ऑफ एडवांसमेंट इन द मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक सेवरल जेनेटिक कॉजेज SYD के इमर्ज हुए हैं अनएक्सपेक्टेड वाली के। फॉर एग्जाम्पल फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर जो कैरेक्टराइज होता है डिफेक्ट इन द माइटोकॉन्ड्रियल फैटी एसिड ऑक्सीडेटिव एंजाइम में, वो भी रिस्पॉन्सिबल है 5% डेथ में इन्फेंसी में। इसकी डिफिशिएंसी मीडियम चेन एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज जो है ना इसमें जो है मोस्ट कॉमन है इसकी डिफिशिएंसी। रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस सडन के इन्फेंट डेथ ओरिजिन केसेस की ओरिजिनली डिजाइनेट हुई सिड्स में वो उसने भी रिवील किए हैं म्यूटेशन कार्डियक सोडियम और पोटेशियम चैनल में, जिसके नतीजे में फॉर्म ऑफ कार्डिक अरिथमिया हुई है जो कैरेक्टराइज है प्रोलॉन्ग QT इंटरवल के साथ। ये केसेस अकाउंट करते हैं फॉर नो मोर देन 1% ऑफ द SUID। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। देखिए एनाटॉमिक स्टडी विक्टिम की यील्ड कर रही है इनकंसिस्टेंट हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग, मल्टीपल पिटिकिया ये मोस्ट कॉमन फाइंडिंग है टिपिकल सिड्स ऑटोप्सी में इन अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द केसेस में। मल्टीपल पिटिकिया मोस्ट कॉमन फाइंडिंग होते हैं टिपिकल सिड ऑटोप्सी में 80% केसेस में। ये ना यूजुअली प्रेजेंट होते हैं थाइमस में, विसरल और पेराइटल प्लूरा में और एपिकार्डियम में। लंग ना यूजुअली कंजेस्टेड होते हैं और वास्कुलर इंगॉर्जमेंट होती है विथ या विदाउट पल्मोनरी एडिमा इज प्रेजेंट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। सोफिस्टिकेटेड मॉर्फोमेट्रिक स्टडीज ने शो किया है क्वांटिटेटिव ब्रेन स्टेम एबनॉर्मलिटी जैसे कि हाइपोप्लेजिया ऑफ द आर्कोइड न्यूक्लियस या फिर सटल डिक्रीज ब्रेन स्टेम न्यूरोनल पॉपुलेशंस में इन सेवरल केसेस। सोफिस्टिकेटेड मॉर्फोमेट्रिक स्टडीज ने शो किया है क्वांटिटेटिव ब्रेन स्टेम की एबनॉर्मलिटी जैसे कि हाइपोप्लेजिया आर्कोइड न्यूक्लियस का या फिर सटल डिक्रीज ब्रेन स्टेम की न्यूरोनल पॉपुलेशंस में इन सेवरल केसेस। ये ऑब्जर्वेशन ना कि सिर्फ यूनिफॉर्म है हाउएवर एंड द यूज सच स्टडीज का फीसिबल नहीं है मोस्ट रूटीन ऑटोप्सी प्रोसीजर्स में। समरी देखें सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की, देखें सिड्स जो है हमने देखा डिसऑर्डर है अननोन कॉज का, डिफाइन हुआ है एज सडन डेथ ऑफ द इन्फेंट जो कि 1 ईयर ऑफ द एज से यंग होते हैं जो रिमेन रह रहा है अनएक्सप्लेन आफ्टर अ थोरो केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑटोप्सी। मोस्ट सिड्स की जो डेथ है ना वो 2 से 4 मंथ के ईयर में होता है, दरमियान ज़्यादा लाइकली बेसिस है सिड्स की डिलेड डेवलपमेंट हो जाती है अरोजल रिफ्लेक्स की और कार्डियो रेस्पिरेटरी कंट्रोल। न्यूमरस इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर भी प्रपोज हुए हैं ऑफ विच द प्रोन स्लीपिंग पोजीशन जो है ना वो बेस्ट रिकॉग्नाइज हुई है, हैंस द सक्सेस बैक टू स्लीप प्रोग्राम ने रिड्यूस कर दिया इंसिडेंट सिड्स का। अब हम पढ़ते हैं फीटल हाइड्रोप्स। फीटल हाइड्रोप रेफर करते हैं एक्युमुलेशन एडिमा फ्लूड की फीटस के अंदर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ के दौरान। देखिए कॉज फीटल हाइड्रोप्स का मैनीफोल्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना टेबल में दिखे हैं लिखे गए हैं आप देख लें। देखिए मेजर कॉज फीटल हाइड्रोप्स के हैं कार्डियोवास्कुलर में कोई मेलफॉर्मेशन हो गई, टैकी एरिथमिया की वजह से भी हो सकता है हाइड्रोप्स या फिर हाई आउटपुट फेलियर। क्रोमोसोमल की वजह से टर्नर सिंड्रोम में भी होता है, ट्राइसोमी 21 और 18 में फीटल हाइड्रोप्स होते हैं। थोरेक्सिक कॉज में ना सिस्टिक एडिनोमेटोइड मेलफॉर्मेशन की वजह से या डायफ्रामेटिक हर्निया की वजह से होता है। फीटल अनीमिया में होमोजाइगस अल्फा थैलेसीमिया में पार्वोवायरस B19 में या इम्यून हाइड्रोप्स RH एंड ABO में होता है। ट्विन जेस्टेशन में ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन की वजह से, इन्फेक्शन में कोई एक्सक्लूडिंग द पार्वोवायरस साइटोमेगैलोवायरस में साइफिलिस में ट्रोक्सोप्लास्मोसिस में हाइड्रोप्स होता है। जेनेटो यूरिनरी ट्रैक मेलफॉर्मेशन भी होता है ट्यूमर्स में भी और जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी होता है। तो इन पास्ट हीमोलाइटिक एनीमिया जो कॉज होती है बाय द RH ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द मदर एंड द फीटस इम्यून हाइड्रोप्स ये मोस्ट कॉमन कॉज था, लेकिन विद सक्सेसफुल प्रोफाइलेक्सिस
ऑफ दिस डिसऑर्डर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अदर कॉज नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स के इमर्ज हुए एज अ प्रिंसिपल कल्प्रिट्स. फ्लूड एक्यूमुलेशन क्वाइट वेरिएबल है, रेंज करती है इन डिग्री फ्रॉम प्रोग्रेसिव जनरलाइज एडिमा से लेके ऑफ द फीटस हाइड्रोफिटेलिस से लेके यूजली जो लीथल कंडीशन है टू अ मोर लोकलाइज एंड लेस मार्क्ड एडिमेटस प्रोसेस जैसे कि आइसोलेटेड प्लूरल एंड पेरिटोनियल इफ्यूजन्स या फिर पोस्ट न्यूकल फ्लूड कलेक्शन यानी सिस्टिक हाइग्रोमा जो ऑफन कंपेटेबल होता है विथ लाइफ. फिगर 7.27 में देखिए हाइड्रोफिटेलिस, ए फिगर में देखिए जनरलाइज्ड एक्यूमुलेशन दिखाई गई है फ्लूड की इन द फीटस. इस बी फिगर में फ्लूड एक्यूमुलेशन पार्टिकुलरली प्रोमिनेंट है सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द नेक में. ये कंडीशन टर्म की गई है सिस्टिक हाइग्रोमा, इसको कहेंगे सिस्टिक हाइग्रोमा. ये सिस्टिक हाइग्रोमा कैरेक्टरिस्टिकली देखे गए हैं लेकिन नॉट लिमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल क्रोमोसोम एनामली जैसे कि 45X कैरियोटाइप. द मैकेनिज्म इम्यून हाइड्रोप का डिस्कस हुआ है पहले फॉलोड बाय द अदर इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ द फीटल हाइड्रोप. सबसे पहले इम्यून हाइड्रोप, देखिए इम्यून हाइड्रोप रिजल्ट करता है फ्रॉम एन एंटीबॉडी इंड्यूस्ड हीमोलाइटिक डिजीज हो जाती है जब न्यू बॉर्न में, जो कॉज होती है बाय ब्लड ग्रुप इनकम्पेटेबिलिटी बिटवीन मदर एंड फीटस. इस तरह की इनकम्पेटेबिलिटी होती है जब फीटस इनहेरिट करता है रेड सेल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट फ्रॉम फादर जो फॉरेन होते हैं टू द मदर. मोस्ट कॉमन एंटीजन जो रिजल्ट करते हैं इन क्लिनिकल सिग्निफिकेंट हीमोलाइसिस वो RH हैं और ABO ग्रुप एंटीजन, ब्लड ग्रुप एंटीजन. ओनली डी एंटीजन जो है वो मेजर कॉज है RH इनकम्पेटेबिलिटी का. फीटल रेड सेल्स रीच कर सकते हैं मेटरनल सर्कुलेशन में ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जब साइटोट्रोफोब्लास्ट नो लॉन्गर प्रेजेंट करता है एज अ बैरियर या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इटसेल्फ के दौरान फीटो मेटरनल ब्लीड. मदर फिर पास करती है मदर जो है ना फिर सेंसिटाइज हो जाती है टू द फॉरेन एंटीजन और प्रोड्यूस कर देती है एंटीबॉडीज जो कि इन फ्यूचर प्रेगनेंसी में फ्रीली ट्रांसफर्स करेंगे प्रावर्स करेंगे प्लेसेंटा को फीटस के अंदर जहाँ पे ये रेड सेल की डिस्ट्रक्शन कराएंगे. विथ इनिशिएशन ऑफ द इम्यून हीमोलाइसिस प्रोग्रेसिव अनीमिया फीटस में लीड करेगी टिश्यू की इस्कीमिया इंट्रायूट्राइन कार्डियक फेलियर और प्रिंसिपली पूलिंग फ्लूड की यानी एडिमा. जैसा कि हम बाद में देखेंगे कार्डियक फेलियर जो फाइनल पाथवे होता है जिससे एडिमा होती है एंड इन मेनी केसेस ऑफ द नॉन इम्यून हाइड्रोप्स एज वेल. सेवरल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को टू द RH पॉजिटिव फीटल रेड सेल्स जो रीच करते हैं मैटरनल सर्कुलेशन में. कंकरेंट ABO इनकम्पेटिबिलिटी प्रोटेक्ट करता है मदर को अगेंस्ट रिसेस इम्यूनाइजेशन क्योंकि फीटल के रेड सेल्स प्रॉपर्ली कोट होते हैं आइसोहीमोग्लोटिनिन से प्री फॉर्म्ड एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज से और रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द मैटरनल सर्कुलेशन. दूसरा कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसका रिस्पॉन्ड जो है उसका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है डोज ऑफ द इम्यूनाइजिंग एंटीजन. तो हीमोलाइटिक डिजीज डेवलप करेगी ओनली जब मदर एक्सपीरियंस करे अ सिग्निफिकेंट ट्रांसप्लासेंटल ब्लीड यानी मोर देन 1 ml RH पॉजिटिव रेड सेल्स का. फिर है द आइसोटाइप ऑफ द एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है ना IgG ना कि IgM एंटीबॉडी वो क्रॉस करेंगी प्लेसेंटा को. इनिशियल एक्सपोजर रिसेस एंटीजन का इवोक करता है फॉर्मेशन IgM एंटीबॉडीज की. तो रिसेस डिजीज जो है वेरी अनकॉमन है विद द फर्स्ट प्रेगनेंसी. सब्सिक्वेंट एक्सपोजर ड्यूरिंग द सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी में जनरली लीड करते हैं टू द ब्रिस्क IgG एंटीबॉडी रिस्पॉन्स. फिर एप्रिशिएशन ऑफ द रोल ऑफ द प्रीवियस सेंसिटाइजेशन इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द रिसेस हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न हैज लेड टू इट्स थेरेप्यूटिक कंट्रोल. करंटली रिसेस नेगेटिव मदर जो है ना वो रिसेस इम्यून ग्लोबुलिन RHIG दी जाती है 28 वीक्स में 72 आवर्स के अंदर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ रिसेस पॉजिटिव बेबी. रिसेस इम्यूनोग्लोबुलिन मास्क कर देती है एंटीजेनिक साइट ऑन द फीटल रेड सेल्स दैट मे हैव लीक्ड इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ थस प्रिवेंट करती है लॉन्ग लास्टिंग सेंसिटाइजेशन टू द रिसेस एंटीजन जिसके नतीजे में रिमार्केबल सक्सेस अचीव हुई है इन द प्रिवेंशन ऑफ द रिसेस हीमोलाइसिस. फीटो मेटरनल ABO इनकम्पेटिबिलिटी करंटली इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इम्यून हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न. ऑल्दो ABO इनकम्पेटिबिलिटी होती है 20% से 25% ऑफ द प्रेगनेंसी में, हीमोलाइसिस डिवेलप करती है सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द इन्फेंट में जो बॉर्न होते हैं सब्सिक्वेंटली और इन जनरल डिजीज मच माइल्डर है देन द रिसेस इनकम्पेटिबिलिटी. इन पार्ट लेस सीवियर कोर्स डिजीज का एट्रीब्यूट हुआ टू द एक्सप्रेशन ऑफ ए एंड बी एंटीजन ऑन द मेनी सेल्स अदर देन द रेड ब्लड सेल्स जो एक्ट करते हैं स्पंज की तरह फॉर ट्रांसफर्ड एंटीबॉडी. ABO हीमोलाइटिक डिजीज होती है एक्सक्लूसिवली इन्फेंट में ऑफ द ब्लड ग्रुप ए या बी जो के बॉर्न होते टू द मदर ऑफ द ब्लड ग्रुप ओ. नॉर्मल एंटी ए एंड एंटी बी आइसोहीमोग्लोटिनिन ग्रुप ओ मदर में यूजली होते हैं ऑफ IgM टाइप और इसीलिए ये
प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते। हाउएवर फॉर रीजन जो हमें नहीं पता, सर्टेन ओ जो वुमेन होती हैं ग्रुप की, वो IgG एंटीबॉडीज भी पोजेस करती हैं जो डायरेक्ट होती हैं अगेंस्ट द ग्रुप ए या बी एंटीजन या बोथ, इवन विदाउट प्रीवियस सेंसिटाइजेशन। इसीलिए फर्स्ट बॉर्न जो है ना वो अफेक्ट हो सकता है। देर इज़ नो इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रीवेंटिंग द हीमोलाइटिक डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम द ABO कंपेटिबिलिटी। उसकी वजह से जो होता है उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिवेंशन नहीं है। अब है नॉन इम्यून हाइड्रोक्स। मेजर कॉज नॉन इम्यून हाइड्रोक्स का है दोज डिसऑर्डर जो एसोसिएटेड होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट के साथ, क्रोमोसोमल एनामलीज के साथ, या फिर फीटल अनीमिया। सबसे पहले स्ट्रक्चरल कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट एंड फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी जिसमें एरिथमियाज आ जाते हैं वो ना रिजल्ट करते हैं इन इंट्रायूट्राइन कार्डियक फेलियर्स एंड हाइड्रोक्स में। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी में ना 45X कैरियोटाइप यानी टर्नर सिंड्रोम एंड ट्राइसोमी 21 एंड 18 एसोसिएट होते हैं फीटल हाइड्रोक्स के साथ। बेसिस है फॉर दिस डिसऑर्डर यूजली प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइन स्ट्रक्चरल कार्डियक एनामली, ऑल्दो टर्नर सिंड्रोम में देर मे बी एनी एब्नॉर्मलिटी इन द लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्रॉम नेक लीडिंग टू द पोस्ट न्यूक्लियर फ्लूइड एक्यूमुलेशन रिजल्टिंग इन द सिस्टिक हाइग्रोमास। फीटल अनीमिया जो है ना वो रिजल्ट करती है फ्रॉम द केसेस अदर देन द रीसस और ABO इनकम्पेटिबिलिटी, आल्सो मे रिजल्ट इन द हाइड्रोप। इनफैक्ट कुछ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जैसे साउथ ईस्ट एशिया में सिवियर फीटल अनीमिया होती है बाय होमोजाइगस अल्फा थैलेसीमिया में, प्रोबेबली मोस्ट कॉमन कॉज है फीटल हाइड्रोप का। इसके अलावा ट्रांसप्लासेंटल इन्फेक्शन बाय द पार्वो वायरस B19 वो भी बढ़ रहा है इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज बाय इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फीटल हाइड्रोप्स। वायरस गेन करता है एंट्री एरिथ्रोसाइट प्रीकर्सर में नॉर्मोब्लास्ट में, जहाँ पे ये रेप्लिकेट करेगा नॉर्मोब्लास्ट में, एंश्योरिंग सेलुलर इंजरी, लीड करेगा सेल डेथ ऑफ द नॉर्मोब्लास्ट एंड एप्लास्टिक एनीमिया। पार्वो वायरल इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन भी देखी गई है विद इन द सर्कुलेटिंग एंड मैरो एरिथ्रोइड प्रीकर्सर में। 7.28 देखिए, इसमें बोन मैरो है फ्रॉम इन्फेंट जो इन्फेक्ट हुआ पार्वो वायरस B19 से, एरो पॉइंट कर रहे हैं टू एरिथ्रोइड प्रीकर्सर्स की तरफ विथ लार्ज होमोजीनियस इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन एंड सराउंडिंग पेरिफेरल रिम ऑफ द रेजिडुअल क्रोमाटिन। बेसिस हाइड्रोप्स की फीटल अनीमिया में ऑफ द इम्यून एंड नॉन इम्यून कॉजेज इज टिश्यू इस्कीमिया विथ सेकेंडरी मायोकार्डियल डिसफंक्शन और सर्कुलेटरी फेलियर। एडिशनली सेकेंडरी लिवर फेलियर हो सकता है, लॉस ऑफ सिंथेटिक फंक्शन हो सकता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू हाइपो एल्बुमिनीमिया, रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर और इडीमा। अब मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं। देखिए एनाटॉमिक फाइंडिंग्स जो है ना फीटस में विथ इंट्रायूट्राइन फ्लूइड एक्यूमुलेशन वेरी करते हैं विथ बोथ सिवियरिटी ऑफ द डिजीज एंड अंडरलाइन एटियोलॉजी। एज प्रीवियसली